आपकी जो पहली मॉडलिंग असाइनमेंट या एक्टिंग जो भी आपको पहला चेक मिला था जी, वो कितने का था और आपने उसका क्या किया? वो आई गेस 10,000 का था और वो मैंने मामा को दे दिया था बिकॉज मैंने कहा मामा ने क्या किया 10,000 का, मामा ने अपने पास रखा होगा, वो जो भी करे आई डोंट वरी अबाउट मनी एट ऑल. What happens now? Mashallah, you working a lot more. The money that you making, where is that going? ज़रूरतें पूरी होती हैं, मुझे जो चाहिए होता है वो पेरेंट्स ही पूरी कर देते हैं. तो आई डोंट थिंक अभी राइट नाउ आई एम फाइनेंशियली इन द आई एम मेंटली इन द पोजिशन टू हैंडल माई फाइनेंस. तो वो सारी चीज़ें मैं अभी मामा पे ही हैं. Are you aware how much money you making? Yes. I'm not going to say. Okay. So what happens then, like if you want to buy something, buy I ask mama and baba, so they're like, अच्छा ठीक है हम लोग कर देते हैं. और फिर वो do they also say नहीं ये नहीं लेना अभी? हाँ I do say that के नहीं नहीं वो लोग इतना नहीं बोलते हैं क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ मांगती नहीं हूँ जिसपे थोड़ा unreasonable हो. जैसे when I wanted a new phone, they made me work for it. They're like, अच्छा ग्रेट से कराओ तो फिर होगा. तो they make me work for the stuff I want to get. Okay, that's good. कौन से फीमेल या मेल एक्टर के साथ आप आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हैं? सबा कवर, आई लव हर, मुझे शी इज माय रोल मॉडल, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं. और मेल एक्टर्स में मेल एवरीवनस फेवरेट फवाद खान. फवाद खान के साथ काम करना चाहिए, ठीक है. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आपने करने से मना कर दिया है और बाद में वो प्रोजेक्ट सुपर हिट हो गया और आपने कहा यार कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है दैट आई एम अवेयर ऑफ. अभी जो अच्छे कैरेक्टर्स लगते हैं उन पे मैं दिल में रखती हूँ, उनका नाम मुझे बिल्कुल सही तरीके से आता है. लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैंने छोड़ा और वो सुपर हिट हो गया. ठीक है. किस चीज़ से आपको डर लगता है? एग्जाम्स. एग्जाम्स मुझे बहुत डर लगता है. ठीक है. अच्छा, ये जो एक्टर्स हैं इनको आपने उनकी फ्रेंडलीनेस के हिसाब से रेट करना है यार कि ज्यादा फ्रेंडली. हाँ, कि ज्यादा फ्रेंडली कौन है? ठीक है. ओके. माया खान. ओ एक सेकंड मैं. अच्छा हाँ, एक साथ. हाँ ठीक है. 10 में से नंबर. ठीक है. माया खान 10 out of 10. 10 out of 10. जवेरिया साउथ 7-8 out of 10. 7 दिया आपने उनको. ठीक है. हदीका कियानी. और 10 out of 10. आई लव दैट वुमन सो मच. रमशा खान. रमशा खान 8 आउट ऑफ 10. 8 आपने दिए हैं रमशा को. सुनीता मार्शल. सुनीता मार्शल 9. शी इज एन अमेजिंग वुमन. 9 आउट ऑफ 10. नहीं, जवेरिया साउथ को आपने सबसे कम नंबर दिए. नो, नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर. उनके साथ आहद रजा मीर. ओह 10 आउट ऑफ 10. आई लव आहद भाई. यस. ओके, वेरी गुड. किस एक्टर ने आपको ड्यूरिंग द शूट टफ टाइम दिया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा एक्टर नहीं मिला जिसने टफ टाइम दिया. अच्छा, मुझे यस. किसी ने नहीं दिया था अभी तक? किसी ने नहीं दिया. ये तो छोटी बच्ची यार, इसको क्या पता भाई, इसको नहीं हम नहीं वो मतलब वो था कि सीरियसली नहीं लेते इसको शुरू शुरू में. ऑब्वियसली जब मैंने जैसे नो वन इन स्पेसिफिक, जस्ट एवरीवन लाइक ऑन द टीम जो होते थे उनको उन्होंने ऑब्वियसली जब आपने किसी का काम देखा नहीं है तो आपको लगता नहीं है कि वो सही से कर पाते हैं, लेकिन जब सीन्स कर लिए तो देन एवरीबॉडी वाज फाइन. ठीक है. एंड हु वाज द एक्टर दैट यू फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद सो फार? थस फार समर एंड माया खान एंड हिबा अली. जो मेरी नहीं जो मेरी मायरी में स्टेप मदर बनी हुई है. अच्छा, वो वाली अमेजिंग वुमन. यस, नॉट पहचान वाली हिबा. उनके साथ मेरे सिर्फ 2 दिन का काम था इसलिए. हाँ, ज्यादा फोन कॉन्वर्सेशन. यस, ठीक है. द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट दैट यू फेस्ड ऑन सेट. ओह, द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट आई फेस्ड ऑन सेट. ओह गॉड, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस वन. यस, अच्छा क्या हुआ था कि जब हम लोग प्रोमोस फिल्म कर रहे थे मायरी के, तो मैंने एक्सटेंशंस लगाई हुई थी बिकॉज वो चुटिया बनानी थी एंड आई डोंट वेयर एक्सटेंशंस. उस दिन मुझे पहननी पड़ गई थी. तो आई टर्न्ड एंड माय एक्सटेंशन फेल आउट एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग इट. ऐसा भी होता है. तो आई वाज सो एम्बैरस्ड, आई जस्ट कर्ल्ड अप इनटू अ बॉल. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज यू आर इन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड ऑल दीस प्लेटफॉर्म्स, सबसे ज्यादा जो आपको कमेंट आपको आया और आपका दिल ही टूट गया, आपने कहा यार ये क्या कह दिया और आप सल करना शुरू कर दिया और सैड हो गई और बहुत परेशान हो गई? ओवर कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं. हाँ, तो वो थोड़ा ये कौन सी बात है सल करने में, मुझे रोज बोलते हैं. लेकिन वो कॉन्शियस मामा सेज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड. तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि लोग बेख्याली में बोल जाते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता कि हमारी इन सारी चीज़ों पर कितनी मेहनत लगती है. हाँ. तो बोल जाते हैं, वो कभी कभी बुरी लग जाती हैं, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग आई गेस. And I also, if you take my opinion, I think it's a compliment. You must take it as a compliment. क्योंकि confidence की कमी होती है लोगों में. So अगर आपको कोई कह रहा है कि over confidence, इसका मतलब है यार confidence ही इतना ज़्यादा मारता है. वो meme है ना, ऐसा confidence चाहिए life में. Exactly. बस ये जबरदस्त. Well done. Thank you. Good job. Well, very well played. Thank you. Good job. अब हमारा एक और segment है, वो भी बड़ा मज़े का, उसका नाम है हाई चस्का.
All right. हाँ, वो okay. बड़ा हमारा segment एक और जो है लोग बड़ा उसको पसंद करें उसमें mm-hmm. होगा क्या कि हम आपको blindfold पहनाएंगे and you'll eat certain things and you'll tell me what you think those things are. ठीक है? Okay. Fairly fun. Don't worry. Nothing disgusting, right? No. Not an alive thing. No, good food. Then it's fine. Let's do it.